हम लोग रिटर्न से जितनी एक्सपेक्टेशंस रखते थे उससे भी ज़्यादा हमें जो है रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि अभी मीडिया स्क्रीनिंग, कल फिल्म रिलीज़ हो रही है 22 मई को, लेकिन मीडिया स्क्रीनिंग्स हर जगह हो रहे हैं और कई लोगों को अभी दिखाया जा रहा है, और जो रिव्यूज़ हैं 4, 4.5 या 5 स्टार्स की ही रेटिंग है सब जगह, और हाईली रिकमेंडेड फिल्म। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसको फिल्म ऑफ द ईयर भी कह रहे हैं। तो हम लोगों ने जितना भी चाहा होगा या सोचा होगा उससे ज़्यादा ऑलरेडी हमें मिल रहा है। फिल्म ऑफ द ईयर लोग कह रहे हैं इस फिल्म का, बहुत बड़ी बात है ये। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जो ये प्यार का जो लेबर रहा है, जिस संयम से और जिस प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया, उससे कहीं ज्यादा प्यार हमको लोगों से मिले। और अगर ये मिल जाता है और हमारे प्रोड्यूसर बहुत सारे पैसे बनाते हैं, तो इससे ज्यादा खुश हमें नहीं हो सकती है खुशी। जैसे कि दो किरदार हमें करना आपका देखने को, एक गर्ली वालों वाली और एक छोटे, तो कितना कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस जी नहीं, और आई थिंक जो तनु है वो जब 4 साल पहले उसको लॉन्च किया था तो एक नई तरह की लड़की फिल्म सिनेमा में लोगों को देखने को मिली थी, और अब जो दत्तों को लॉन्च किया है तो वो भी लंबे दांत और छोटे बाल और हरियाणवी बोलती है और काफी रॉनेस है उसमें अगर आप देखें तो ये भी एक बॉलीवुड को एक नई तरह की अभिनेत्री मिली है। तन्नु की तरह तो फिर बहुत सारे कैरेक्टर हो गए, मोहब्बत या शराब पीना या लड़के घुमाना, फ्लर्ट होना, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव स्ट्रीक होना, उसके बाद वैसे ही बहुत फॉलो किया। अब दत्तों के बाद मुझे लगता है ये भी लोग काफी ट्राई करेंगे लड़कियों को घुमाना, शराब पीना। कुछ क्या कुछ फीलिंग थी जब इस तरह की फिल्में शूट हुए? किस तरह की फिल्म? लड़कियों को यार मैं अपनी बीवी को घुमा रहा हूँ यार, तो तनु वर्ड्स मनु रिटर्न्स की कहानी बड़ी क्लियर है, क्योंकि मेरी बीवी और हमारे बीच में जो शादी के बाद जितने तकरार हो रहे हैं जिसकी वजह से हम साथ में नहीं रह पा रहे हैं, उसको और प्यार में जो दरार आ रहा है उसको कैसा सुलझाते हैं और कैसे जो है प्यार अभी भी बरकरार रख पाते हैं या नहीं, इसके बारे में कहानी है। लड़कियों को तो घुमा नहीं रहा और बेचारा मनु शराब कभी नहीं, एक्चुअली कभी कभार पी भी लेते हैं। तो नेशनल अवार्ड विनर भी हो चुकी हैं कंगना, तो जब आपको बताया गया कि प्रोडक्शन ने रिटर्न में कंगना के साथ फिल्म काम करने की नर्वसनेस थी, ये तो पहले से ही नेशनल अवार्ड विनर थी और हमारी फिल्म के दौरान इनको नेशनल अवार्ड मिला, तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे लगता है कि वो काबिल हैं और उन्होंने इतनी अच्छी काम की है क्वीन में, तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी डिजर्व्ड अवार्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऐसे रिकॉग्निशन लोगों को मिले। व्यूअर्स को, हाँ जी व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि 22 मई को जो है तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आ रही है और हमारी फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, तो अपने परिवार के साथ जाइए। इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर, समर हॉलीडेज में इससे अच्छी ट्रीट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए नहीं हो सकती। एक छोटा सा त्यौहार है, जाइए पूरे फैमिली के साथ 22 मई को इस फिल्म को थिएटर में देखिए और एंजॉय कीजिए। मुझे लगता है कि फैमिली के साथ देखोगे आप तो उसका ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच।